गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, आवाज आ रही है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो कल हम लोग डीसी मशीन्स का इंट्रोडक्शन देख लिए थे सब लोग, ठीक है। तो मैं एकदम आप लोग को वो बताया था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग डीसी मशीन देख चुके थे, ठीक है। अभी आज हम लोग फिर से जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे ना, डीसी मशीन उसमें हेल्प करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट 8 हम लोग देख रहे थे और अब हम लोग फिर से सेट नंबर 8 पे आ चुके हैं, ठीक है। सेट नंबर 8 पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते 17, देखिएगा सब लोग, 17th नंबर डिस्कस कर चुका था मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में, कर लिया था ना। तो अब हम लोग करेंगे 18 से स्टार्ट। सबको विजिबल है, ठीक है, तो 18 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज, द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। अब मैं कल ही बताया आप लोगों को, देखिए अब फायदा होगा। सीरीज मोटर जो हम लोग कब यूज करते हैं, सीरीज मोटर जब टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बताया था ट्रेन वगैरह को खींचने के लिए टॉर्क बहुत ज्यादा एक्सेसिव चाहिए होता है, तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, करेक्ट है। तो यहां पे आप लोग को समझना होगा कि डीसी सीरीज मोटर जब हम लोग का नो लोड पे रहेगा तो बहुत ज्यादा उसका स्पीड रहेगा, क्या रहेगा, वेरी हाई। क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो उसको हम लोग कहां यूज कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर को, हम लोग बोले थे हॉइस्ट में, क्रेन में, जब हम लोग को हाई पावर काम जो भी करना होता है तो वहां पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर अप्लाई करते हैं। और इसीलिए यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो लोड स्पीड जो होगा डीसी मोटर का, जो नो लोड स्पीड होगा वो वेरी हाई होगा, क्यों, क्योंकि इसको बड़ा पावरफुल, जो बोला ना मैं ट्रैक्शन, हॉइस्ट, क्रेन, ये सब में यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर है ना, क्या बोला था मैं, डीसी सीरीज मोटर में आपको जो स्पीड मिलेगा एट नो लोड दैट इज वेरी हाई, वेरी हाई। अच्छा, और शंट मोटर में क्या बताया था मैं, कल ही बताया था शंट मोटर, तो कांस्टेंट स्पीड जहां चाहिए आपको, ब्लोअर वगैरह में यूज करते हैं ना हम लोग, कांस्टेंट प्रिंटिंग प्रेस, कांस्टेंट स्पीड, ये हो जाता है आपका शंट मोटर। और जब क्यूमुलेटिव यूज करेंगे तो क्यूमुलेटिव तब यूज करिएगा जब आपको कांस्टेंट थोड़ा स्पीड भी चाहिए और इंटरमिटेंट लोडिंग के लिए, कभी लोड रहेगा कभी नहीं रहेगा, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव मोटर। बात समझ में आ गया था सबको, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो अब हम लोग को देखना है कि स्टार्टर क्यों यूज कर, स्टार्टर का यूज क्या है और स्टार्टर है क्या, तो देखिए समझिएगा। अब सब चीज तो मैं नहीं बताया था, फर्स्ट एक क्लास में तो हम लोग सब चीज डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन मैक्सिमम हम लोग किए थे, ठीक है। तो देखिए डीसी मोटर में या किसी भी मोटर में स्टार्ट करने के लिए कभी कभी हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं, बात समझ में आ रहा है, देखिएगा। जब मैं बात करता हूं डीसी का, ठीक है, तो डीसी मोटर में ये मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। कल मैं कुछ भी ऐसा बताया था क्या कि स्टार्ट होने के लिए मैं बताया था ना, करंट अगर फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा और वो घूमेगा, बताया था ना कल। तो उसमें हम लोग को स्टार्ट करने के लिए, देखिए डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, खुद से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टर का इसमें रोल क्या है, बात समझिएगा। तो कल जैसा डीसी मोटर जब हम लोग पढ़े थे तो देखिए ये सेल्फ स्टार्टर होता है, ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग। तो कोई बोल देगा कि नहीं सर मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज कर रहे, नहीं गलत हो जाएगा, देखिएगा बात समझिएगा। यहां जब हम लोग कल फिगर बनाए थे तो हम लोग बोले थे कि हम लोग को एक टर्मिनल वोल्टेज से वीटी अप्लाई करना पड़ेगा और करंट जो होगा वो जो भी आर्मेचर के अंदर आर्मेचर करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं मोटर को, देखिए मैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ये अपना फील्ड वाइंडिंग है RF और उसको मैं सेपरेट एड करूंगा, ठीक है, ये अलग चीज है और ये स्मॉल R है। अब बात समझिएगा, मैं बताया था आपको कि जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो कोई करंट जो होता है वो मोटर लेता है, लेता है कि नहीं, और मोटर क्या करता है, एक ऑपोजिशन क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक EMF, बोलते हैं ना बैक EMF, बैक EMF। अब बात समझिएगा,
बैक ईएमएफ जब ये करता है तो ये क्या करता है, इस करंट को क्या करता है, अपोज करता है, और करंट की वैल्यू थोड़ी कम रहती है, रहती है ना। अब समझिएगा आप लोग एक बात, जब ये मोटर घूम रहा होगा, ठीक है, ईवी का वैल्यू क्या बताया था मैं, के ए फाई इंटू ओमेगा बताया था ना, ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द रोटर जिससे वो घूम रहा है। अब अगर मान लीजिए आप समझिए, स्टार्ट जब कर रहे हैं आप मोटर को, तो मोटर तो घूम नहीं रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, जीरो। ओमेगा घूम नहीं रहा है ना भाई, स्पीड जो है आपका वो तो जीरो है। तो जीरो अगर स्पीड है तो यहां फ्लक्स जो होगा ये भी जीरो होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा, और समझिए ओमेगा जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, ईबी भी जीरो हो गया, ईबी क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर ईबी को अगर आप जीरो कर देंगे, ईबी को जीरो कर देंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए बहुत हाई हो जाएगी, करंट की वैल्यू जो आईए की वैल्यू होगी वो होगी वीटी बाई आरए, आरए बहुत स्मॉल होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि स्टार्टिंग ऑफ द मोटर में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी वाइंडिंग में, क्यों, क्योंकि कोई भी बैक ईएमएफ जो है मोटर पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब अगर कोई भी बैक ईएमएफ मोटर पे नहीं आ रहा है तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर चली गई तो कॉइल जो है, जो टर्न्स मैं कल बताया था आप लोग को, उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर बहुत ज्यादा करंट उस पर फ्लो होगा तो वाइंडिंग क्या होगा, टेम्परेचर उसमें बहुत ज्यादा होने के कारण बर्न कर सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं, वो बर्न कर सकता है। तो इस केस को रोकने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टर यूज करते हैं। तो देखिए स्टार्टर का पर्पस क्या है, देखिए पहली बात, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए सेल्फ स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं चलिए स्टार्टिंग पर्पस, स्टार्ट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग, मोटर को घुमाना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाई करंट को रोक रहे हैं स्टार्टिंग में बहने से, ये है स्टार्टिंग, समझ में आ रहा है मेरी बात। इसमें बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है कंसेप्ट का, कि स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको स्टार्ट नहीं करना है, वो स्टार्ट तो खुद ब खुद हो गया घूमना, लेकिन बहुत ज्यादा हाई करंट उसमें फ्लो ना करे उसको रोकने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं, बात समझ में आ गया। अब देखिए अवॉइड ओवरलोड, अब दूसरी बात, अगर आप समझिए आप चला रहे एक फैन, ठीक है फैन, अब मान लीजिए फैन बहुत छोटा सा, आप उसके जो शाफ्ट है, जो ब्लेड है उसको अगर आप पकड़ लिए, ठीक है, और उसको मूव नहीं होने दे रहे, बहुत छोटा सा मोटर है उसमें, ठीक है, अब बात समझिए, अगर उसका ब्लेड को आप पकड़ के रख देंगे, उसको चोक कर देंगे एक तरीके से, वो चाहेगा कि अब वो घूमे लेकिन आप उसको घूमने नहीं दे रहे हैं, वहां भी क्या केस होगा देखिएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या कर दिया आप, जीरो, स्पीड तो जीरो हो गया, अब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी तो ईबी फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, समझ में आ रहा है, ईबी फिर से अगर जीरो हो गया तब इसको कोई बैक ईएमएफ तो दे नहीं रहा है मोटर को, जितना वोल्टेज आप डाल रहे हैं उतना करंट उसको आप कॉइल में भेज सकते हैं, उस करंट को रोकने वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप मोटर को क्या कर दिए, पकड़ लिए, ओमेगा जीरो है, तो फिर यहां पे भी वही वाला केस आ जाएगा। अगर आप ओवरलोड कर देते हैं, मान लीजिए आप अपने मिक्सर ग्राइंडर पे, सिंपल है, आप क्या रखते हैं, अपना जार रखते हैं मिक्सर ग्राइंडर का, लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर से आप ये सोचे कि हम कोई गाड़ी चला लें, बस मैं बोल रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, टायर का जो वेट होगा प्लस आदमी का जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा हो, वो ओवरलोड का केस होता है, और मोटर को अगर आप ओवरलोड करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो रुक जाता है, बात समझ रहे हैं, वो चोक हो जाता है, उस केस में क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा अंदर फ्लो करेगा और मोटर को फिर से जला देगा, बोलते हैं ना मोटर जल गया, कॉइल जल गया, क्यों होता है, या तो आप उसको ओवरलोड कर दिए हैं, पहला कंडीशन, दूसरा या तो आप उसको बिना कुछ रखे हुए जलाते चला रहे हैं नो लोड पे, ओमेगा का वैल्यू उधर भी जीरो है, बात समझ रहे हैं, बिना स्टार्टर के आप चला रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ओवरलोड के केस में भी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है, और यहां पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमाइजिंग द हाई स्टार्टिंग करंट, तो करेक्ट है, हम लोग क्यों स्टार्टर यूज करते हैं, ताकि उसको हम लोग रोक दें, स्टार्टिंग करंट जो बहुत ज्यादा आएगा उसको रोकेंगे, तो इसमें चारों जो आपको तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं वो सही है, बात समझ में आ गया, आई होप कि आपको स्टार्टर का वर्किंग समझ में आया होगा। डीसी मोटर में उसको स्टार्ट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, बल्कि जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा कम फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये सिंक्रोनस मोटर से या सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन अगर करूंगा तो आप लोगों को समझ में आना थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है, तो इसको मैं आगे के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, आगे के लिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्यों, बाद में मैं अगर पढ़ाऊं तो उस दर डिस्कस करूंगा सिंक्रोनस, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन अ पावर सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज, क्या बात पूछ रहा है वो,
पावर प्लांट का डिमांड फैक्टर पूछ रहा है, पावर प्लांट का क्या पूछ रहा है, डिमांड फैक्टर। देखिए एक सेकेंड, डिमांड फैक्टर पूछ रहा है कुछ कुछ ना, मैं ये रेशियो है ठीक है, पावर प्लांट में एक रेशियो होता है, तो इसमें ना मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या फैक्टर को क्या बोलते हैं ठीक है। अब देखिएगा, जो मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड, एक ऑप्शन होगा आपका, देख लेता हूं मैं एक मिनट, देखिए मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिमांड फैक्टर। अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड फैक्टर। यह है अपना डिमांड फैक्टर ठीक है। अब मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या हुआ, 24 आवर्स के टाइम पे, सिंपल है, जिस टाइम पे स्कूल हॉस्पिटल सारा कुछ खुला हुआ है आपका, इवन आपके ऑफिसेस ऑन खुले हुए हैं, आपका घर में भी आपका लोड है, मतलब एक सिटी का उस टाइम को हम लोग लेते हैं जिस टाइम पे सारा रनिंग टाइम, समझ में आ रहा है मेरी बात, तो उस टाइम पे हम लोग ये बोलते हैं कि लोड जो होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑफिसेस भी खुले हुए हैं, स्कूल भी खुला हुआ है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, टेम्पल्स भी है ठीक है, जितना भी अपना लोड है वो एक्टिव है उस टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम। उस टाइम पे जो डिमांड आएगा वो मैक्सिमम आएगा पूरे 24 आवर्स में, बात समझ में आ गई। अब दूसरा है कनेक्टेड लोड। अब आप सिंपल समझिए, अपने ही घर पे देखिए, आपके घर में कम से कम 10-20 लाइट होगा ठीक है, आप एनी टाइम तो उसको ऑन करके रखते नहीं है। कनेक्टेड लोड का मतलब क्या हो गया कि जितना कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड किए हैं और जितने भी लोड कनेक्टेड है, हमारा एसी हमेशा ऑन होता नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप ऑन करते हैं, तो वो भी कनेक्टेड लोड के अंडर आ, जो भी मैक्सिमम डिमांड है डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड अगर हम लोग बोल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा डिमांड फैक्टर। क्या हो जाएगा, डिमांड फैक्टर। अब देखिए बहुत सारे और भी ऐसे फैक्टर है, देखिए एवरेज डिमांड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ठीक है, तो देखिए सबका एक एक वैल्यू मैं लिखवा दे रहा हूं, तीन चार आपके पास रेशियोज है जो कि मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, इसको आप याद कर लें, यह आपसे डायरेक्टली अगर पूछता है तो आप लोग सीधे टिक मार सकते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं यहां, नोट करेंगे सब लोग। पहला है डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या है बताइएगा, मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड पहला फैक्टर ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखिएगा लोड फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर देखते हैं, तो देखिए एवरेज लोड, एवरेज लोड जो 24 आवर्स में आपको जितना भी लोड मिला है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, मैक्सिमम डिमांड, जब आपको मैक्सिमम डिमांड आपका रहता है ना जो वैल्यू, तो एवरेज लोड से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मिलता है मेरे को क्या, लोड फैक्टर, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा तीसरा, हम लोग बोलते हैं प्लांट के हिसाब से, ये प्लांट की क्या कैपेसिटी है, जो भी आपका पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो भी प्लांट है उसका हम लोग बोलते हैं उसकी कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो देखिए प्लांट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, तो उसकी कैपेसिटी फैक्टर कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो कैपेसिटी फैक्टर इज एवरेज लोड, जो भी आपका एवरेज लोड है उस सिटी का, डिवाइडेड बाय एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिम, एक मिनट, हाँ प्लांट रेटेड कैपेसिटी, प्लांट रेटेड कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितना मेगावाट का प्लांट है, कितना गीगावाट का प्लांट है, वैसे तो मेगावाट में रहेगा, और एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट रेटेड कैपेसिटी कर देंगे तो कैपेसिटी फैक्टर हो गया। और लास्ट जो है यह है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, तो ये तीन चार आपको वैल्यूज जो है जो मैं बताया हूं वो याद होना चाहिए।
ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, अभी तो डिमांड फैक्टर पूछा है तो ऑप्शन जो भी आपका आ रहा है उसमें वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? ये आपको चार वैल्यूज याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, वहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा ये यार ये थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो नॉट अ बिग फैन ऑफ थोड़ा ऐसा रिमेम्बरिंग थिंग्स, लेकिन अब तो एग्जाम से पहले आपको करना पड़े, ठीक है। लास्ट लास्ट में आप याद करके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको एकदम 365 दिन अगर आप पूछ लीजिएगा कि सर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो मेरे को खुद भी याद नहीं होगा भाई, लेकिन याद होगा मेरे को कब, अगर मैं एग्जाम एक हफ्ते बाद है तो मेरे को ये सब चीजें याद होगी, जो लास्ट में मैं रट्टा मारूंगा और निकल लूंगा एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए अब अपना क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके था ना, देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया, क्या बोला था मैं आपको, आंसर क्या है भाई, सबको आना चाहिए, बोलिए एक आध लोग, क्या होगा 765 है ना, दिख नहीं रहे हैं आप, उनको थोड़ा इधर साइड में बोलिए, हाँ बस ठीक ठीक चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप लोग आंसर बता रहे हैं, चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो देखिए इसको ना एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइट से जो लाइट से हम लोग को जो भी रेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उससे जो विजिबल जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक बार मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप समझिएगा, देखिए ये आपका सोर्स है, क्या है सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट बोल सकता हूं मैं इसको, हाँ 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 इसको मैं नीचे कर दे रहा हूं थोड़ा, सोर्स ऑफ लाइट दिख रहा है सबको, देखिएगा ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, जो भी है बल्ब है या फिर जो भी आप समझे, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या चीज हो रहा है इसमें, तो इससे रेज निकलेंगी भाई, निकलेंगी ना, व्हाइट लाइट व्हाइट रेज जो भी रेज है इससे निकलेगी। अब देखिएगा रेज इससे जब निकलेंगी तो हमारा कुछ टेबल वगैरह होगा, स्टडी टेबल वगैरह यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह होगा अपने पास, ठीक है। और देखिए रेज क्या करेंगी, रेज जो होंगी वो पहले इस पे स्ट्राइक करेंगी और उसके बाद ऑब्जर्वर अपने आंखों से इसको देखेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखिए लाइट का जो होगा प्रोसेस क्या है, देखिएगा पहला चीज जो मैं बताना चाहता हूं ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ल्यूमिनस फ्लक्स, जो भी लाइट आपके लाइट सोर्स से निकल रही है वो सब ल्यूमिनस फ्लक्स के अंदर, हम लोग उसको क्या बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ना वैसे जो भी रेज निकल रही है वो है ल्यूमिनस फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसका यूनिट क्या है सर, इसका यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम लोग यूनिट समझेंगे। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है हमारा उसका जो यूनिट है वो है ल्यूमेन, क्या है ल्यूमेन, बात समझ में आया, ये है अपना ल्यूमेन। अब देखिएगा ल्यूमिनस फ्लक्स का तो हम लोग समझ लिए कि चलिए ल्यूमेन है। अब आप बात समझिएगा, जब इससे जो भी लाइट निकल रहा है सब विजिबल अपना लाइट के जो सॉरी जो विजिबल रेंज है ह्यूमन आई का वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है या कुछ पर्टिकुलर लाइट्स को हम लोग देख सकते हैं, बाद बाकी जो होता है वो इंफ्रारेड बोलते हैं हम लोग, वो उस पर चला जाता है उससे ऊपर के वेवलेंथ वाले, है ना। तो जो भी विजिबल रेंज में लाइट कर रहा है, मेरी बात समझिएगा, जो भी लाइट हमारा इससे जो निकल रहा है जो कि विजिबल रेंज पे लाइट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हो गया उसका वैल्यू जो होता है कैंडेला, उसका ऐसा यूनिट जो लिख रहा हूं मैं उसका ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं यहां पे, देखिए सीडी, इसको बोलते हैं हम लोग कैंडेला। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला पूरा पूरा फ्लक्स निकला उसमें कुछ विजिबल वाले को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसे तो बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कि पर सॉलिड एंगल एट एंगल एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन ऐसा डेफिनेशन वगैरह में अपन को नहीं फंसना है, अपन ऐसा यूनिट समझ गए ठीक है, और थोड़ा एक स्टोरी से रिलेट करके समझ लेंगे। तो पूरा सोर्स ऑफ लाइट से जो भी निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, उसका ऐसा यूनिट होता है ल्यूमेन। दूसरा आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया,
कि जो विजिबल रेंज वाले जो रेज हो रहे हैं उन्हीं को ल्यूमिनस फ्लक्स जो है उनको हम लोग देख रहे हैं पर सॉलिड एंगल, ठीक है। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, कैंडेला में। किसमें मेजर करेंगे, कैंडेला में। बात समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए जो जितना लाइट इस टेबल पे पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं, LUMINANCE ल्यूमिनेंस। क्या बोल दिया उसको हम लोग, ल्यूमिनेंस। और ल्यूमिनेंस को हम लोग करते हैं मेजर, देखिएगा, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत सही बात बोल रहे हैं वो, क्योंकि लाइट जो है पूरी की पूरी रूम पे पड़ रही है, लेकिन पर मीटर स्क्वायर में देखो ल्यूमिनेंस कितना मिल रहा है स्टडी टेबल पे, वो हम देखना चाहते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, कैंडेला जो कि विजिबल रेंज है पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ये हो गया ल्यूमिनेंस। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा जो हमको दिख रहा है इधर, मेरे को कुछ दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इल्ल्यूमिनेंस। जो रेज हमको टकरा करके, देखिए एक होता है ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, एक होता है व्हाइट बॉडी जो पूरा का पूरा एमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बात समझ रहे हैं। तो ये पूरा परफेक्ट ऐसा तो कुछ बॉडी होता नहीं है, कुछ अब्सॉर्ब करेगा कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बाद बाकी जो रेज जो ये रिफ्लेक्ट कर दिया है की तरफ, जिससे आप देख पा रहे हैं उसका कलर कि वो रेड है कि ब्लू टेबल है, बात समझ में आ रहा है, उसको मेजर करते हैं हम लोग इल्ल्यूमिनेंस से। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इल्ल्यूमिनेंस, इल्ल्यूमिनेंस। बात समझ में आ रही है सबको। और इल्ल्यूमिनेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इल्ल्यूमिनेंस जो है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं लक्स, LUX। बात समझ में आया। तो देखिए ये एक आपको मैं शॉर्ट स्टोरी टाइप बताने का कोशिश किया हूं कि कैसे आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें अगर, तो पहला सोर्स ऑफ लाइट से हम लोग का जो लाइट एमिट हो रहा है, ठीक है, उसका कोई रेंज हम लोग अगर नहीं देख रहे हैं और सिर्फ लाइट एमिट को देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, उसका यूनिट होता है ल्यूमेन। जो वो लाइट विजिबल रेंज के अंडर आ रहा है अगर उसको मैं पर सॉलिड एंगल पे मेजर करूं, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट इज गिवन बाय कैंडेला सीडी। जो मेरे टेबल पे गिर जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ल्यूमिनेंस, जो आ रहा है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। और फाइनली जो मेरे को रिफ्लेक्ट बैक होकर के मेरे आंखों पे पड़ रहा है, ठीक है, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कलर वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं इल्ल्यूमिनेंस एंड दैट इज गिवन बाय लक्स। बात समझ में आ गई सबको, मेरे को लगता है सारे इतने में से ही आपको ऐसा यूनिट पूछा जाएगा जो हम लोग कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत समझा भी दिया हूं कि किसका मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई सबको, शॉर्ट में समझ लिया अपन। चलिए आगे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाँ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन होगा कि नहीं इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 23 का डी, ल्यूमेन। देखिएगा 23 का आंसर इज डी आ गया, हाँ 23 हो गया, 22 हो गया। चलिए अब देखना है हम लोगों को द कलर ऑफ लाइट गिवन आउट बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप। अच्छा स्ट्रीट लाइट आप लोग देखे होंगे येलोइश कलर का पहले, अब तो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एलईडी वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले जो सोडियम वेपर लाइट जो होता था ना, वो बहुत बड़े बड़े बल्ब होते थे, आप लोग देखे होंगे एकदम बहुत बड़े बड़े बल्ब, और एक बहुत बड़ा सेटअप आता था स्ट्रीट लाइट का, ठीक है, आप लोग कभी गौर किए होंगे तो बहुत बड़ा सेटअप रहता था, मतलब बड़ा सा बॉक्स जैसा रहता था, ठीक है। या फिर आप लोग बैडमिंटन कोर्ट में अगर शाम को खेलने गए होंगे तो देखेंगे सोडियम वेपर लाइट, उससे बहुत हीट आता है, हीट भी जनरेट होता है और येलो कलर का वो लाइट आपको प्रोवाइड कर पाता है। बात समझ में आ रहा है मेरा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लाइट जो है हम लोग स्ट्रीट लाइट में पहले यूज करते थे, अभी भी कई जगह पर ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, येलो, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गया भाई, ऑप्शन सी हो गया। अब चले आगे, लाइट वेव ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव उसकी वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, करेक्ट करेक्ट। तो देखिए स्पीड जो होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर सेकंड में, क्या लिख दूंगा, 3×10⁻¹ सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गया सबको, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3×10⁻¹ इज ए, हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए
अब हम लोग देखेंगे अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा एक पेचीदा। देखिए पहले अर्थ वायर क्यों यूज करते, बात समझिएगा। आप लोग जब थ्री पिन प्लग यूज करते होंगे, देखिए ये थोड़ा जनरल बता दे रहा हूं मैं, तो आप देखते होंगे एक बड़ा सा होता है आपका एक सॉकेट, सॉकेट में बड़ा सा होल होता है और दो छोटे छोटे होते हैं। अगर आप और भी देखेंगे तो ऐसा छोटा छोटा और भी रहेगा। इन सबका साइज सेम होता है, बस ये होता है जो थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है ना, पता है सबको। तो देखिए ये वाला जो सॉकेट होता है ये अर्थ वायर के लिए होता है। बेसिकली जब आप कोई भी कनेक्शन करते हैं, टीवी को कनेक्ट करते हैं सॉकेट से या फिर फ्रिज को करते हैं, कभी कभी आप लोगों को महसूस होता होगा कि उससे शॉक लगा। आपको लगा है आप लोगों को शॉक टच करने पे? लैपटॉप जिसका होगा ना, जिसका थोड़ा मेटल वाला लैपटॉप होगा, उनको शॉक लगा होगा, ठीक है। तो देखिए लगता क्यों है शॉक? बेसिकली क्या होता है, जब आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी को तो कोई पोर्शन, कोई छोटा सा MCB, उससे क्या होगा आपका मेटल वाला जो लैपटॉप है वो टच हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो धीरे से उस सरफेस पे, आपके लैपटॉप के पूरे सरफेस को क्या कर रहे हैं, लैपटॉप जो है आपका, देखिएगा ऐसा लैपटॉप है आपका, पता नहीं क्या बना दिया भाई, एक मिनट, जो भी डिवाइस है आपका लैपटॉप है आपका ये, ठीक है। तो इस पे क्या होंगे, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका टर्मिनल जो होगा, सर्किट जो होगा वो बॉडी से टच कर जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज जो आ जाएगा आपके बॉडी पे आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप आए और टच कर दिए इसको और आपके जो पांव है वो जमीन पर है, ठीक है, तो आपको शॉक लग सकता है। क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इस शॉक से बचने के लिए हमेशा आप देखते होंगे जो सॉकेट रहता है उसमें एक बड़ा सा पिन रहता है और दो छोटे छोटे पिन होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कलर का वायर जो होता है ना उससे कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थ वायर। क्यों यूज करते हैं? अप्लायंसेस से कनेक्टेड होता है वो डायरेक्टली, अप्लायंसेस के बॉडी से एक ग्रीन कलर का वायर होगा जो आपके कीबोर्ड के कहीं पे कनेक्टेड होगा और सीधे जाकर के इधर कनेक्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, कहीं पूरा घर, जो भी आपका पूरा घर है, ठीक है, उसमें जितने भी बड़े वाले सॉकेट है सबको पकड़ करके आप लोग क्या करेंगे, सबको लाएंगे एक जगह पे और उसको ग्राउंड कर देंगे। क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे। क्या हो जाएगा? सारा का सारा चार्ज अब कैसे फ्लो हो जाएगा जरा देखें। सारा का सारा चार्ज जो होगा वो यहां से निकलते हुए, देखिए इस सॉकेट के थ्रू यहां जाएगा और ये ग्राउंड में चला जाएगा और आप सेफ रहेंगे भाई, आपको शॉक लगा लगा वाला नहीं होगा सिचुएशन, समझ रहे हैं। तो मेन क्या है, अपने आप को शॉक से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थ वायर यूज करते हैं। और देखिए सबसे बड़ा सॉकेट वो क्यों होता है, ताकि एरिया अगर बड़ा होगा, आप लोगों में पढ़ाया था, अगर एरिया बड़ा होगा कंडक्टर का, अगर एरिया बड़ा है तो रो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और रेजिस्टेंस हम लोग इलेक्ट्रॉन को कम प्रोवाइड कर पाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आराम से यहां जा सकता है, बात समझ में आ रही है। तो आपको समझना है कि अर्थ वायर कहां कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड। देखिए अर्थ वायर को हम लोग कहां से कनेक्ट, सॉकेट से, जो भी है आप ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटी कि अप्लायंसेस टू ग्राउंड, बात समझ में आ रही है। यहां पे दोनों ऑप्शन है, एक ऑप्शन होना चाहिए था, या तो आप अप्लायंसेस में करिए ग्राउंड, लेकिन ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करके मैं ग्राउंड में ही डाल देता हूं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये यहां पे ना ये मेरे लिए थोड़ा डिसाइड कर पाना मुश्किल है, आप समझिएगा। वैसे आंसर सा ग्राउंड दिया हुआ है लेकिन यार मेरे लिए दोनों सही है, ठीक है, अप्लायंसेस टू ग्राउंड करते हैं, ठीक है। अब एक और पूछेंगे लोग डाउट, न्यूट्रल क्या होता है सर? तो देखिए यहां पे तीन सॉकेट जो बनाया ना मैं, एक होता है लाइव और दूसरा होता है न्यूट्रल। अब आप लोगों को पता है कोई भी सर्किट आप लोग जब देखते थे, जब यहां पे सर्किट बना रहा हूं मैं, तो देखिए एक पॉजिटिव से करंट जाता था और नेगेटिव से करंट आता था, पता है ना, यहां से करंट फ्लो करेगा और वापस वहां पे आएगा। वैसे ही न्यूट्रल, देखिए एल से जो भी आप देखेंगे आपका जो भी लैपटॉप होगा वो करंट लेगा और न्यूट्रल पे करंट वापस कर देगा, बात समझ में आ रहा है। तो न्यूट्रल इज जस्ट द रिटर्न पाथ फॉर द करंट जो कि फ्लो हो रहा है आपके डिवाइस से, और अर्थ वायर जो है वो आपके अप्लायंसेस को शॉक चार्ज स्टोर करने से बचाने के लिए है और आपको शॉक से बचाने के लिए, बात समझ में आ गई। आई होप ये क्लियर हो गया अर्थ और न्यूट्रल का बात, बात समझ में आ गया सबको। चलिए तो ये क्लियर कर लिए हम लोग, अब देखते हैं तो इसका आंसर आप लोग डिसाइड करिए कि कौन सा होगा, मेरे हिसाब से दोनों सही है, ठीक है।
इसको वैसे ही कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, 8 कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग खोल लें टेस्ट नंबर 9। टेस्ट नंबर, एक मिनट, टेस्ट नंबर 9 दिख रहा है सबको? टेस्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। इसको जूम करता हूं मैं, एक मिनट, देखिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बताया था मैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A होता है। मैं ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक एक्चुअली देखिएगा, सॉरी सॉरी देखिएगा, मैं बताया था ये चीज, आप लोग समझिएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A बताया था ना मैं। अब बोला था मैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर, और दूसरा होता है मटेरियल, बताया था कि नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी शो करती है। अब दूसरा बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर फिक्स्ड हो, क्या इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब ये फिक्स कर दिए तो बस इसी पे तो डिपेंड करेगा ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जिसका टेम्परेचर फिक्स हो। तो मतलब अब किस पर डिपेंड हो रहा है रेजिस्टिविटी, मटेरियल पे, और अगर मटेरियल पर डिपेंड होगा तो रेजिस्टेंस भी किस पर डिपेंड हो रहा है, रेजिस्टिविटी पे, तो इंटरन मटेरियल पे ही तो डिपेंड हो रहा है। बात समझ में आ गया सबको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी कहाँ गए भाई, 59, ऑप्शन बी, ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते हैं हम लोग नया, a resistance has a a wire has a resistance of 10 ohm, it is stretched by 1/10 of its original length, then its resistance will be, देखिएगा इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे तो फायदा है, देखिएगा शॉर्टकट से हो जाएगा तुरंत सवाल, देखिएगा गौर से सुनिएगा क्या बता रहा हूं मैं, देखिए अगर मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन वायर है, देखिए इसका एरिया ए है और उसकी लेंथ है एल, क्या है, एरिया एल है और लेंथ है एल, बाद में क्या कर दिए आप इसको, देखिएगा इसकी लेंथ को आप खींच दिए, क्या कर दिए, खींच दिए। अच्छा आप बात बताइए आप मेरे को, जैसे इसका लेंथ खींचेंगे किसी भी वायर का, अगर आप उसको खींचते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, जरा बोलेंगे आप लोग, अगर कोई वायर है उसको अगर हम लोग खींच देंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, जरा बताइएगा आप लोग, बोलिए भाई क्या हो जाएगा, हाँ डायमीटर घटेगा, करेक्ट, डायमीटर घटेगा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, मतलब एल तो आप बढ़ा दिए है ना, और ए जो है वो कम हो गया, बात समझ में आ रहा है सबको, दोनों चेंजेस आएगा ना, लेकिन इसका क्या कॉन्स्टेंट रहेगा बताइए, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं, इसका जो एल आई है मतलब इनिशियल को मैं ले रहा हूं एल आई और ए आई, इसको मैं ले रहा हूं एल एफ और ए एफ, तो इसका मतलब एल आई और ए आई जो होगा वो एल एल एफ और ए एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो यहां से हम लोग ये फाइंड करेंगे कि देखिए लेंथ को तो आप बढ़ा दिए, मान लीजिए डबल कर दिए, कोई एग्जाम में क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि लेंथ को हम 2L बना दिए, तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगाना है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, नहीं, फिर आपको फाइंड करना है कि एरिया में क्या चेंजेस आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो एल आई जो था वो एल था, अब एल एफ जो हो गया वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल आई है ना, देखिए ये है एल आई जो पहले एल था, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं जिसमें उसको कंडक्टर को हम क्या कर दिए हैं, खींच करके दो गुना कर दिए हैं, इसको 2L कर दिए हैं, इसको क्या कर दिए हम 2L कर दिए हैं, ठीक है, तो एल एफ जो हो गया वो 2L हो गया, इनिशियल जो था लेंथ वो एल था, अब देखिएगा इनिशियल एरिया को हम मान लेते हैं ए आई जो है वो है ए, अब समझिएगा फाइनल जो आपका एरिया है उसको आप कैसे निकालेंगे, तो कभी मत करिएगा कि इसका फाइनल एरिया ए से बाई टू हो गया कि बाई थ्री, गेस मत मारिएगा, इसमें आप बोलिएगा सर हम लोग लगाएंगे कि वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि थिकनेस तो भाई भले आप कम कर दे रहे हैं, वॉल्यूम तो मटेरियल तो वही है ना भाई, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू एरिया एल आई इंटू ए आई इज इक्वल टू एल एफ इंटू ए एफ, बात समझ में आ रही है सबको? अब एल आई क्या है आपका एल,
एरिया कितना है ए और आपका एलएफ क्या है 2L और एएफ कितना हो जाएगा आपका निकालना है आपको तो एएफ जो आएगा आपका वो आ जाएगा ए बाई टू। मेरी बात समझ में आ रहा है समझ रहे लोग तो एरिया अब हमको पता चल गया कि एरिया जो है वो ए बाई टू हो गया है ठीक है तो ऐसे करिएगा जब आपको तो आपको अगर हम पूछे कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताओ आर एफ क्या होगा बताओ आर आई के टर्म्स में किस टर्म्स में कि पुराने वाले रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है आर आई अब आर एफ जो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो कैसा इस टर्म्स में बताओ तुम तो देखिए आर आई को मैं लिख रहा था रो इन टू एल बाई ए या फिर एल आई बाई ए आई जो कि एल बाई ए है ना अब आर एफ को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए रो इन टू अब इसका लेंथ ट्वाइस लेंथ हम किए थे और एरिया घट करके कितना हो गया था ए बाई टू हो गया था तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू टू ऊपर चला जाएगा तो 4l बाई ए है ना और रो इंटू एल बाई ए जो है वो क्या है आपका आर आई है ना तो इससे हम लोग ये समझे कि फाइनली जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 टाइम्स आर आई हो जाएगा अगर आप लेंथ को दोगुना करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो हो गया वो 4 गुना हो गया बात समझ में आया लेकिन देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करना पड़ा अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि लेंथ के साथ ऐसा किए हैं एरिया के साथ ऐसा किए तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्टकट दूंगा इससे तुरंत हो जाता है आंसर लेकिन वो शॉर्टकट आप तभी यूज करेंगे जब सिर्फ लेंथ से छेड़छाड़ किया जा रहा है इट इज नॉट फॉर कि आप लेंथ से भी छेड़ लेंथ को भी छेड़ दिए और उसकी एरिया को भी छेड़ दिए बात समझ में आ रहा है मेरा बात क्या बोल रहा हूं मैं तो उसमें आप वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा ठीक है अब देखिए मेरा बात समझिएगा अगर आपका एक रजिस्टर या वायर जिसकी रेजिस्टेंस है आर आई ठीक है और उसका लेंथ है एल और उसका एरिया है ए और इसको अगर आप इसकी लेंथ को अब एल से क्या कर दिए हैं एक्स एल कर दिए क्या कर दिए आप लेंथ से एक्स टाइम्स एल कर दिए आप लेंथ में चेंज ले आए समझ में आ रहा है और अगर आपसे कोई पूछे कि यार आर एफ निकालो बताओ हमको कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा ठीक है तो अगर x टाइम्स आप सिर्फ लेंथ में चेंज लाए हैं तो आर एफ जो होगा वो x स्क्वायर टाइम्स आर आई हो जाएगा क्या बात समझ रहे मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपका लेंथ जो है वो एक्स एल हो गया है उस पर्टिकुलर कंडक्टर का तो उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है अब फाइनल अगर आपसे पूछे तो वो एक्स स्क्वायर टाइम्स आर आई हो जाएगा बात समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है मेरी ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में देखिए अ वायर देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम पहले कितना है 10 ओम अब उसको खींच दिया गया है इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल अब उसको खींच दिए हैं अब देखिए कितना खींचे हैं तो लेंथ जो था उतना तो था अब उससे अधिक 1/10 भी खींच दिए हैं बात समझ में आ रहा है बाई लिखा हुआ है ना तो मतलब लेंथ से एल प्लस एल बाई टेन बात समझ में आ रहा है देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है इसमें है ना तो देखिएगा इसी क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा यही आपका शॉर्टकट देखिए कैसे कब लगाऊंगा देखिएगा तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू एल था अब कर दिया गया है एल प्लस एल बाई टेन बात समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा 11/10L होगा कि नहीं होगा भाई है ना और कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैं अभी आप लोगों को समझाया हूं तो उसमें यही बताया था कि अगर उसकी वैल्यू जो है लेंथ जो है एल से एक्स एल आप करेंगे क्या करेंगे एक्स टाइम्स एल कर देंगे तो आपको अगर पूछा जाए आर आर एफ तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर टाइम्स आर आई है ना अब देखिए एक्स यहां इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है 11/10 है कि नहीं लेंथ को आप एल से एक्सएल बना रहे हैं मतलब क्या हुआ एल से 11/10 एल कर दिए आप तो फाइनल रेजिस्टेंस जो आपको आएगा वो कितना आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम है ना तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा 121/100 इंटू 10 कैंसल हो जाएगा तो आ जाएगा 12.1 तो आंसर क्या आ जाएगा 12.1 मतलब 12 ओम के लगभग ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर बात समझ में आया सबको किसी को कोई दिक्कत देखिएगा बोलिएगा भाई सब लोग अजय जी बोलिए समझ में आ गया है ना
अजीत जी चलिए बोलिए, प्रिंस जी सब बोलिए, सोनू जी सब लोग रिप्लाई करें भाई, किसा समझ में आ गया है आंसर क्या है। चलिए फाइन, चलिए आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। देखिएगा, इफ 410 माइक्रो फराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज, क्या होगा? मैं बताया था अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। मैं एक आध बार और भी समझा चुका हूं ना इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 40 माइक्रो फराड। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 40 माइक्रो फराड। अगर मैं बोलूं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन है नहीं, मैं पूछ रहा हूं बस आपसे, अगर मैं 4-10 माइक्रो फराड 10 माइक्रो फराड के कैपेसिटर को क्या कर रहा हूं, सीरीज में कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए, सबका वैल्यू सी 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 ई है ना, बताइए कितना आएगा, मैं पूछ रहा हूं सी इक्विवेलेंट 10 माइक्रो फराड। नहीं, गलत हो, देखिए कैसे करना है, मैं बताया था इसको रेजिस्टर का उल्टा फॉर्मा लगाना है, यहां लगाना, हाँ देखिए देखिए हम बता रहे हैं कैसे, देखिए 1 by C equivalent is equal to 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10, है ना, तो क्या आ जाएगा 4 by 10, 1 by C equivalent आ रहा है, तो C equivalent कितना आ जाएगा, C equivalent आ जाएगा 10 by 4 माइक्रो फराड, जो कि कितना आ जाएगा 2.5, तो आ जाएगा 2.5 माइक्रो फराड। मेरा बात समझ में आया सबको, कैसे सॉल्व किया मैं, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, बात समझ में आ गया ना सबको, 2.5 माइक्रो फराड वुड बी द आंसर, फाइन, बात समझ में आ गया है? तो ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता दिया आपको। देखिएगा आगे, द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल डैश विथ टेम्परेचर राइज, बताइएगा इसका आंसर, किसी को आइडिया है? देखिए आंसर देख के मत बोलिएगा, अगर आंसर पता है तो आंसर बोले और नहीं तो फिर आप लोग वेट करें सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिएगा, बात समझिएगा, रेजिस्टेंस तीन चीज का, मैं तीन पॉइंट अभी यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको आप लोगों को याद रखना है हमेशा। देखिए रेजिस्टेंस है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो देखिए अगर आपका है रेजिस्ट, देखिए कंडक्टर है क्या आपके पास, कंडक्टर, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा ये भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास इंसुलेटर है, मैं समझा भी दूंगा, देखिएगा अगर आपके पास इंसुलेटर है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लास्ट सेमीकंडक्टर, बताया था ना मैं सेमीकंडक्टर, इसमें भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये तीनों चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखिए क्यों, अब आप समझिए, वायर आप देखते होंगे, इंसुलेटर क्या होता है, उसके ऊपर जो एक पीवीसी कोटिंग होता है ना, रेड कलर का या ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक इंसुलेशन। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मान लीजिए अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इन केस अगर कोई फायर या आग लग जाता है तो क्या होगा, आप देखेंगे ना वो मेल्ट करता है एक रबर के जैसे। बात समझ रहे हैं? आप देखेंगे अगर कभी कोई वायर लें और उसको अगर आप मोमबत्ती या फिर कोई भी ऐसा लाइटर वगैरह के सामने अगर रख दें, मैच बॉक्स के सामने अगर जला दें उसको अगर आप, तो उसका जो पूरा कोटिंग है ना ऊपर वाला, वो पूरा पिघल करके अलग हो जाएगा और वहां पे इंसुलेशन रहेगा ही नहीं, वहां पे वहां से आदमी को शॉक लग सकता है। मेरी बात समझ रहे? मतलब अब इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रबर जो होगा मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कहां से प्रोवाइड कर पाएगा, अगर मान लीजिए ऊपर का कोटिंग ही मिट गया तो रेजिस्टेंस कहां से प्रोवाइड कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? यूजुअली जो कोटिंग आप करते हैं बाहर, आप ऐसे मटेरियल का कोटिंग करते हैं कि आपको शॉक ना लगे, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम रहेगा तो आपको शॉक लगने का चांसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो करेगा और आपको शॉक लग सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यूजुअली वो बहुत हायर ऑर्डर ऑफ उसका इंसुलेशन होता है, जिसको हम लोग मेगा ओम्स में शायद मेजर करते हैं। और दूसरी बात, उसको अगर टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू जो होगा रेजिस्टेंस का, वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है ना भाई?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर विथ नो इनिशियल चार्ज एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स एस। ठीक है, देखिए एक बार कैपेसिटर का वर्किंग समझ लीजिए, अगर आप वर्किंग समझ लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से इसका आंसर समझ में आएगा। देखिएगा एक बार सोचिएगा, लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं, मतलब एक तरीके से जनरल लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मेरा अप्रोच वैसा है कि आप लोगों को आम भाषा में समझा दूं। अभी कैपेसिटर वगैरह में थोड़ी बात कर रहा हूं, डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। देखिएगा आप समझिए, ऐसा पहला मैं समझा रहा हूं कैसे। देखिए अगर हम लोग बोले एक केबल है आपके पास, समझ लीजिएगा एक केबल है, इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट किया एक नेगेटिव से, और ये ना थोड़ा सा थिक केबल है, मतलब इसमें अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक तरीके से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग उस केबल को उस टाइम पे देखिएगा, अगर हम लोग उसको कट कर देते हैं, बीच से कट कर देते हैं, अचानक जब फ्लो हो रहा था पहले तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्मली फ्लो कर रहे थे इनिशियली, है ना। अब जैसे ही आप क्या किए, अचानक से इसको क्या कर दिए, कट कर दिए, क्या कर दिए, कट कर दिए। तो अब क्या होगा, देखिए बात क्या होगा, समझना है सबको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो मैं बनाया हूं, देखिए कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज क्या बोलते हैं हम लोग, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि 2 इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किधर है, नेगेटिव वाले में। और जब जब आप नॉर्मली कनेक्ट किए हुए थे इसको, नॉर्मली अगर मैं कनेक्ट कर दूं, बात समझिएगा, तो सारे के सारे जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करते हैं नेगेटिव से कहां जाए, पॉजिटिव से। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब अचानक से अगर आप उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, अचानक से उसको आप कट कर देते हैं, जो पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव, अचानक से अगर आप उसको कट करेंगे तो होगा क्या, देखिए जैसे ही अचानक से आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स में इसको कट किए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड से फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, क्या होगा, क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको, नेगेटिव वाले से फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और यहाँ पे अक्यूमुलेट होते रहेंगे, और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो हो रहे थे वो सब क्या करेंगे, पहले ये अंदर आएगा, फिर ये अंदर आएगा, फिर ये अंदर आएगा, फिर ये अंदर आएगा, समझ में आ रहा है सबको। तो ऐसे करके कुछ टाइम तक सारे इलेक्ट्रॉन को ये अब्सॉर्ब करता जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन को ये भेजता जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो जैसे ही कैपेसिटर को आप t इज इक्वल टू 0 पर कट किए, मतलब कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, दो इंसुलेशन, दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर, देखिए ये एयर गैप है ना, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर, बात समझ रहे हैं, कल सैंडविच वाला बात बोलते हैं हम लोग, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा कंडक्टर। तो जब भी आप ऐसा बना रहे हैं ये वाला सीन, ठीक है, तो ये कैपेसिटर को आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड में किए आप, है ना, तो जैसे ही कट किए तो यहाँ पे तो अभी भी फ्लो हो रहा है बराबर से। तो इस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट के जैसा काम करता है, क्यों, क्योंकि कट तो कर दिए लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्लो हो रहा है, बात समझ रहे हैं। बाद में जा करके बोलेंगे एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत टाइम के बाद, एक दो घंटा के बाद देखिएगा, तो इसमें जितना स्टोर हो सकता था उतना इलेक्ट्रॉन हो गया है और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो बाद में जाकर के कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा, क्यों, अब करंट फ्लो नहीं हो सकता, अब तो कटा हुआ है, लेकिन इनिशियली क्या कैसे बिहेव किया, शॉर्ट सर्किट की जैसा। बात समझ में आया सबको कि नहीं आया भाई, तो कैपेसिटर जो है इनिशियली एक शॉर्ट सर्किट की जैसा बिहेव कर रहा है और बाद में जाकर के जब यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है तो वो ओपन सर्किट की जैसा बिहेव कर रहा है, बात समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या याद करना है, देखिएगा बात समझिएगा सब लोग, कि कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है, उसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोग को याद करना है। ये वाला चीज तो आप लोग समझ लिए है ना भाई, कम से कम तो आप लोग दूसरा वाला ऑपोजिट जैसा याद कर सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं t इज इक्वल टू 0 और यहां लिख रहा हूं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां लिख रहा हूं मैं कैपेसिटर और यहां लिख रहा हूं मैं इंडक्टर, क्या लिख रहा हूं मैं, इंडक्टर। देखिएगा बात समझिएगा, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही हो रहा है, वहां पे जाकर के अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो अभी भी फ्लो ऑफ करंट जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट के जैसा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट आराम से फ्लो करे, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या बोलते हैं, दो वायर शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब
करंट जो है उन दोनों के बीच से फ्लो होना चालू हो गया। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया भाई, ओपन हो गया सर्किट, ओपन हो जाने का मतलब क्या है, करंट फ्लो करना बंद कर चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो t is equal to infinity में ओपन सर्किट और t is equal to zero में शॉर्ट सर्किट। अब उसी को आप इंटरचेंज कर दीजिए, t is equal to infinity में शॉर्ट सर्किट और t is equal to zero पे ओपन सर्किट। बात समझ में आ गया? तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, इंडक्टर या कैपेसिटर्स तो बना सकते हैं t is equal to zero या t is equal to infinity पे। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, आया कि नहीं भाई, बोले अजीत जी समझ में आ गया? चलिए हो गए भाई है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे कैपेसिटर, चलिए सही है, यहां पे देखिए कैपेसिटर विथ नो इनिशियल चार्ज एट इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए डैश कंसिस्ट ऑफ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो क्या करूं मैं। देखिए हो गया सबको समझ में आ गया? देखिए देखिए डैश कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई डाइलेक्ट्रिक एंड कैन स्टोर चार्ज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोले भाई, नहीं तो गलत आंसर टिक मार देंगे, आंसर आंसर आपका गलत कर देंगे, आप लोग एग्जाम में नंबर कट जाएगा। बोलिए क्या होगा? बस भाई कैपेसिटर, ठीक है समझ में आ गया सबको। चलिए आगे देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ सर्किट, क्या होगा आंसर अनुराग जी? आइडियल करंट सोर्स बोलिए भाई, ठीक है ठीक है समझ में आ गया आई होप। अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव डैश रेजिस्टेंस, है ना, तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक टेबल टाइप बता दे रहा हूं, इससे अगर क्वेश्चन आएगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स तो उसका आइडियली क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी क्या होना चाहिए ये मैं बता दे रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा देखिएगा देखिए मैं यहां बता रहा हूं आइडियल और यहां बता रहा हूं मैं प्रैक्टिकल, हाँ मैं नीचे कर दे रहा हूं एक मिनट, ठीक है आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है आइडियल और प्रैक्टिकल। देखिएगा किसका बात करूंगा मैं, पहले पहले मैं बात करूंगा वोल्टेज सोर्स का, पहले मैं बात कर रहा हूं वोल्टेज सोर्स का, दूसरे में बात करूंगा करंट सोर्स। दो ही तरीके के सोर्स होते हैं ना, अभी तक मैं क्या पढ़ाया हूं, सिर्फ दो ही तरीके के सोर्सेस हैं हमारे पास, एक है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स। बात समझ में आ रहा है सबको? देखिएगा अब अगर हम लोग देखें तो आइडियली आइडियली कैसा दिखता है ये देखिए, ये ऐसा है वोल्टेज सोर्स कुछ वोल्ट वी वोल्ट का और इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा देखिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आर एस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको मैं बोलता हूं नेग्लिजिबली स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है आप नॉर्मली देखेंगे बैटरी से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ वायर्स वगैरह तो यूज कर रहे हैं ना भाई, और सब खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है तो उन सबको ऐड करते हैं तो ये एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग, किसमें लगा दिए हैं इसके सीरीज में, और वो बहुत छोटा वैल्यू होता है। बात समझ में आ रहा है? अब करंट सोर्स को देखिएगा, करंट सोर्स में अच्छा यहाँ पे आर एस की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन आइडियल केस वोल्टेज सोर्स का जीरो रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकल केस में हमारे पास नेगलिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब करंट सोर्स को देखेंगे तो करंट सोर्स का मतलब क्या होता है, करंट भेजना, क्या होता है उसका मतलब करंट भेजना, ठीक है। तो करंट सोर्स जो प्रैक्टिकल होता है ना, बात समझिएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में एक रजिस्टर होता है, समझ रहे हैं, पैरेलल में एक रजिस्टर होता है और इस रजिस्टर का वैल्यू बहुत हाई होता है। देखिए आर एस जो होता है कैपिटल आर एस, इसको मैं बोलता हूं हाई वैल्यू, क्यों हाई वैल्यू है देखिएगा, करंट को फ्लो कराना है, अगर इसका वैल्यू बहुत लो होगा रेजिस्टेंस का तो सारा का सारा करंट यहीं फ्लो होगा। करंट जो है एक तरीके से पानी के जैसे है,
जहां पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जहां पे स्लोप ज्यादा मिलेगा, पानी वहीं चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? वैसी रेजिस्टेंस करंट जो है वो वहीं बह जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका हाई वैल्यू होता है। क्यों? ताकि सारा का सारा जो करंट हो, आई करंट, वो सर्किट में जाए, ना कि इसी में फ्लो कर जाए। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें क्या होता है, RS इज इक्वल टू इनफिनिट। मतलब समझिएगा क्या लिखना चाह रहा हूं। देखिए प्रैक्टिकल केस में सीरीज रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है वोल्टेज सोर्स के केस में। और वहीं पे अगर आइडियल केस देखें तो उसी स्मॉल रेजिस्टेंस जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। अब करंट सोर्स के केस में अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और आइडियली उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। बात समझ में आ गया? इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहां आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो यहां दिख रहा है ना आपको जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई सबको, है ना? देखिएगा अब आगे देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन ओम पर मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। देखिए ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, देखिएगा कंडक्टिविटी जो होता है ना, देखिएगा सॉरी इसका यूनिट गलत लिखा हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। अच्छा सही है, देखिए कंडक्टिविटी है, आपको यूनिट याद रहना चाहिए। देखिएगा उसको मैं लिखता हूं 1 बाई ओम मीटर, ये ऐसा यूनिट नहीं लिखा है एक्चुअली। देखिएगा ऊपर आ जाता है महो पर मीटर, या फिर मैं बोलता हूं सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो चलिए सही है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होती है ये आपको याद रखना होगा, ज्यादा होती है। कंडक्टर है ना, 10^7 है, देखिएगा यहाँ 10^7, ये 10^5 है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, किस केस में? मेटल्स के केस में बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, ये तो मैं बताया हूं आपको। तो वो 10^7 होता है, लेकिन हर मेटल का नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मेटल्स का, तो 10^7। बात समझ में आ गई सबको? अब देखिएगा अर्थ इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो अर्थ इज फॉर एनर्जी। देखिए ऐसे मिलते जुलते यूनिट्स आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे उस दिन हम बात किए थे, तो देखिएगा एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जूल, ये उसका एसआई यूनिट हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब ये सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर। अभी अर्ज भी यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पावर के केस में हम लोग यूज करते हैं वॉट, ये रियल पावर के लिए होता है, रियल पावर। देखिए मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट जो भी है, रियल पावर के लिए होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इसमें यूज करते हैं हम लोग VAR, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पावर, इमेजिनरी पावर के लिए यूज करते हैं। फिर VA भी बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। आप लोग सुने होंगे HP, है ना, 1 HP = 746 वॉट, ऐसा बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग हॉर्स पावर बोल देते हैं ना, हॉर्स पावर, इसको भी हम लोग पावर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो अलग अलग चीज है जो जिससे हम लोग मेजर करते हैं, तो ये सब जो है आपका यूनिट। बात समझ रहे हैं? और हो गया कैलोरी, हो गया कैलोरी, ठीक है। तो ये सब जो है आपका एनर्जी मेजर करता है, और ये सारा जो है ये पावर यूज मेजर करता है। अब ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल। यहां का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वॉट। बात बाकी सब क्या है? अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग जगह पे यूज करते हैं जो हमारे लिए एफिशिएंट हो। बात समझ में आ गई सबको? अब चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा पावर, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द कैपेसिटेंसेस, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी। थैंक यू, चलिए आगे देखते हैं।
थोड़ा सा हो जाता है यार बताते बताते में थोड़ा कंफ्यूजन। चलिए कोई नहीं, समझ रहे ना आप लोग, अटेंटिवली सुन रहे हैं मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, आप देखिएगा पैरेलल जब आप कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना C1 प्लस C2, सीधे बढ़ जाएगा आपका कैपेसिटेंस, है ना। अगर पैरेलल में आप तीन कैपेसिटेंस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जा रहा है, हर वैल्यू से अब क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जाएगा ना वैल्यू। यहां देखिए पहला ऑप्शन है इक्वल टू लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, गलत बात है भाई, है ना, ये सरासर गलत है। लोअर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, नहीं ये भी गलत है। या लोअर देन द स्मॉलेस्ट, नहीं ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस, ये सही है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 + 2 + 3 अगर करेंगे तो आपको आएगा 6, तो 3 से बड़ा है ना भाई, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई, ये ऑप्शन आप लोग कर दिए। चलिए अब अपना 70 नंबर क्या है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 120 वोल्ट। देखिएगा मैं आप लोग को बताया था कि नहीं एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं साइनोसॉइड का, मैं कैसे निकालते हैं वो तो नहीं बताया था, बट मैं ये बताया था कि वैल्यू होता क्या, बताया था कि नहीं भाई, याद है किसी को, वेरी नाइस, कौन कौन थे वो बोलिए भाई, भारद्वाज, अरे अरे ठीक है ठीक है, चलिए बहुत सही भारद्वाज जी, लगे रहिए, देखिएगा, चलिए चलिए सही किए हैं, देखिएगा आगे देखते हैं। तो एवरेज वैल्यू जो है ना अपना, देखिए एवरेज वैल्यू एक साइनोसॉइडल के लिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए जो वैल्यू आता है 2 Vm/π, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलो, सॉरी द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट व्हेन पीक वैल्यू इज 120, तो पीक वैल्यू कितना दे दिया है 120, देखिए 120 दे दिया, तो 120 अगर 3 भी मान लूं तो 40, और 40 20 80, और 80 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 3.14 है तो 40 से कम होगा, 40 से कितना आ रहा आंसर यार, 86 आ रहा है क्या, देखिएगा कम आ रहा है, 76 आना चाहिए शायद, ए आएगा, देखिए तो क्या आ रहा है, 76.44, हाँ 76.44, इसका आप लोग कैलकुलेट करेंगे, सही है। देखिए 3.14 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो 3 से भी अगर डिवाइड करते तो ये 40 जाता, और 40 से यहाँ पे बनता 80, लेकिन आप 3.14 से करेंगे तो कुछ वैल्यू तो कमी आना चाहिए ना 80 से, तो सही है 76.44, ठीक है। अब उसको थोड़ा नीचे डाल लेता हूँ मैं, देखिएगा अब देख लेंगे ये वाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर साइन वेव, तो पीक और एवरेज वैल्यू को हम लोग को डिनोट कराना है, तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग को फिर से यूज करना है। क्या होगा, करंट के टर्म्स में बोल रहा हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आई एवरेज, अगर ऑल्टरनेटिंग बोल रहा है तो मैं खुद से समझ रहा हूं कि ये एक साइनोसॉइड का बात कर रहा है, और साइनोसॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2 Im/π, है कि नहीं भाई। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 2 Im/π में बोल दिया हूं, एक मिनट, हाँ पीक एंड एवरेज वैल्यू ना, तो पीक एंड एवरेज में तो सही बताया हूं मैं, एवरेज इज इक्वल टू, तो देखिए क्या आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, देखिए आई एवरेज इज इक्वल टू 2/3.14 × Im, इसकी वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, लेकिन कितनी आएगी वो मेरे को 1/π 0.32 0.6 समथिंग आना चाहिए, हाँ डी ऑप्शन, देखिए 1/π कितना होता 0.32, ठीक है थोड़ी बहुत चीजें कैलकुलेशन याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है कि नहीं, देख लेंगे एक बार सब लोग, 71 सही है, चलिए चलिए ओके। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है देखते हैं, आगे अगर देखें तो क्या है, द पावर फैक्टर फॉर एसी सर्किट इज इक्वल टू, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और मैं अभी बता दे रहा हूं पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है एक मिनट,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको, पावर फैक्टर फॉर एसी सर्किट इज इक्वल टू, तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैं दो चीज बता रहा हूं आपको। देखिए एक होता है एक चीज इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इंपीडेंस ट्रायंगल। देखिएगा फॉर्मूला ऐसे निकल जाएगा, आप लोग को ये याद है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग याद करते थे राइट ट्रायंगल एक है ना, और उसमें बोलते थे कि हाइपोटेन्यूज एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस, ऐसा बोलते थे कि नहीं। देखिए ये अगर थीटा होता था, देखिए मैं बता रहा हूं, और ये 90 डिग्री, तो इसको बोलते थे हाइपोटेन्यूज, बोलते थे कि नहीं सब भाई, इसको बोलते थे बेस और इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते थे ना। अब देखिए बात समझिएगा, जब भी अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे बोलेंगे लोग, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हम लोग नॉर्मली करते थे किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। अब जो परपेंडिकुलर जो हो गया है ना, देखिएगा यहां पे समझिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी बोल रहे हैं ना, या फिर बोल सकता हूं आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा, देखिएगा सब लोग दिख रहा है आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। देखिएगा ये क्या होता है, इंपीडेंस बताया था मैं, ये इंपीडेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, और इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए इसको समझ लीजिए एक्स एक्सिस, ये होता ही ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, क्या बोलते हैं हम लोग रियल, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, बात समझ रहे हैं सब लोग। अब देखिएगा अब अगर इसको मैं इस वाले लाइन को अगर मैं उठा करके वहां डाल दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, सबको कोई तो दिक्कत नहीं है सबको, समझ रहे हैं, बस लाइन को मूव कर दिया। देखिए तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये जो है हमारा रियल पार्ट है और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, समझना है आप लोग, और ये जो पार्ट है ये है आपका हाइपोटेन्यूज की जैसा जेड, क्या बोल रहा हूं मैं, रियल पार्ट क्या है इस नंबर पे, देखिएगा ये आर जो है वो रियल है और ये जो एक्सएल माइनस एक्सी है ये इमेजिनरी है, इसको क्या बोलता हूं मैं एक्सएल माइनस एक्सी, बात समझ में आ रहा है, एक्सएल माइनस एक्स, एक्सएल माइनस एक्स। तो यहां पे अगर यही ट्रायंगल में मैं थीटा का बात कर रहा हूं, कॉस थीटा का, पावर फैक्टर क्या होता है आप लोग को याद करना, पावर फैक्टर इज नथिंग बट कॉस थीटा, क्या होता है पावर फैक्टर का मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर निकालना है तो फिर करिए बी बाई एच, क्या आ जाएगा आर बाई जेड, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, पावर फैक्टर ऐसे निकाले, पावर फैक्टर के लिए हम लोग जेड जो लिख रहे हैं ना आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, उसको हम लोग रियल पार्ट को नीचे रखे हैं और इमेजिनरी पार्ट को उधर रखे हुए हैं, और ये जो है ना आपका हाइपोटेन्यूज ये जेड है, टोटल आपका जो इम्पीडेंस आ रहा है, तो वहां पे पावर फैक्टर अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा होता है जो कि आर बाई जेड हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, देखिएगा सब ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, अब एक पावर ट्रायंगल भी होता है, देखिएगा हम रियल और वहां पे अपेरेंट पावर दिखाते हैं ना, देखिए एक और बोलते हैं पावर ट्रायंगल एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, क्या बोलते हैं हम लोग पी प्लस जे क्यू, ये होता है रियल पावर, रियल पावर, इमेजिनरी पावर दिखाया था ना वहां पे, इसको हम लोग मेजर करते हैं वाट में, और बताया था कि नहीं इमेजिनरी पावर भी होता है, बताया था कि नहीं भाई अभी थोड़ा देर पहले, इमेजिनरी पावर, इसको इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इमेजिनरी टर्म के साथ है, तो इसको मैं बोलता हूं इसको मेजर करते हैं वी ए आर में, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स पावर, क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर, इसको हम लोग मेजर करते हैं वी एस, ठीक है। तो इसका भी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं ना तो इसका भी ट्रायंगल से हम लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके चाहिए, देखिए ये ट्रायंगल बनाएगा तो ये एस हो जाएगा, रियल पार्ट को नीचे रख दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को यहां रख दीजिए, तब कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि पावर फैक्टर क्या है बताओ, तो आपको निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज नथिंग बट पी बाई एस, बात समझ में आया। तो दो फॉर्मूला याद करना है आपको, कॉस थीटा का एक पी बाई जेड जो कि पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस थीटा, एक होता है पी बाई एस और दूसरा क्या होता है आर बाई जेड, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, हाँ चलिए चलिए। अब यहां पे आंसर आप लोग देखें अगर तो देखिए यहां पे दिया है इन टर्म ऑफ इंपीडेंस आर जेड, तो आपको सीधे करना है डी ऑप्शन देखेंगे तो आर बाई जेड आपको मिल जा रहा है, मिल रहा है कि नहीं भाई।
यहाँ आ गया आर अपॉन जेड, सही है आर अपॉन जेड, ठीक है। अब देख द एफिशियंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, ये पढ़ाया था कि नहीं और समझाया भी था, आप लोग में से कुछ याद करके आ गए थे उस दिन, मेरे को लगता है कौन याद करके आए थे, भारद्वाज जी बता दिए थे ना, अनुराग जो भी है भाई, आप फुटबॉल जैसा पास करिए, आप लोग कौन रट के आया था हमको क्या पता। देखिए बताए थे कि नहीं आप लोग कैसा आया था 50%, आई होप आपको याद हो, उसको आप देख सकते हैं, शायद लेक्चर नंबर 2 पे था, ठीक है, देखिएगा शायद 1 पे था या 2 पे था, 1 पे था, 1 पे था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50%, बात समझ में आ गया सबको। अब टेस्ला के बारे में बात कर रहे हैं भाई, टेस्ला, तो ये भी मैं मैग्नेटिक सर्किट थोड़ा बहुत समझा दिया था सबको कि टेस्ला का आएगा, तो बहुत बार टेस्ला पूछा जाता है, और क्या होता है उसका वीबर पर मीटर स्क्वायर, बताया था ना फ्लक्स क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो जाए चीजें। अरे एक सेकेंड, फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वीबर, बताए थे इसका यूनिट क्या होता है वीबर, फिर आपको याद कराया था मैं बी जो होता है वो क्या होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको मैं क्या बोलता हूं फ्लक्स डेंसिटी, क्या बोलता हूं उसको फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्लक्स इसका ऐसा यूनिट है वीबर, इसको फाइबर वीबर पर यूनिट मीटर स्क्वायर, इसको बोलेंगे टेस्ला, है ना, बताया था कि नहीं भाई। और क्या बताया था मैं, बी इज इक्वल टू म्यू इनटू एच, छोड़ दीजिए, रिलक्टेंस वगैरह बताया था मैं, रिलक्टेंस का जो होता है रिलक्टेंस इज हेनरी इनवर्स, और बताया था परमिएबिलिटी, बताया था क्या परमिएबिलिटी, देखिए रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू 1/μ L/A, तो म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी, तो म्यू को क्या लिख सकते हैं आप फॉर्मूला से, आर इंटू ए बाई एल, लिख सकते कि नहीं, नहीं, 1/μ को ये लिख सकते हैं, और म्यू को लिख सकते हैं आप एल अपॉन आर इंटू ए, इसका क्या है हेनरी इनवर्स, इसका क्या है मतलब हेनरी ऊपर चला गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या है मीटर, तो यहां आ जाएगा हेनरी पर मीटर, हेनरी ऊपर चला गया पर मीटर, हेनरी पर मीटर, ये सारा ऐसा यूनिट मैग्नेटिक्स का है ना। नॉर्मल क्लास में तो मैं डिस्कस किया ही हूं, लेकिन आप लोग के लिए भी थोड़ा बहुत बता दिया हूं मैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, बात समझ में आ गई सबको है ना। देखिए ये मैं थोड़ा सेंटर पे ले आता हूं, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेस्ला इज सेम एज वीबर पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, आज जो मेरा ग्रुप है ना उस पर मैं भेजूंगा मटेरियल को, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और एक और था अपना क्या था फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का तो आपको पता है आयरन निकल कोबाल्ट और गैडोलिनियम है ना, और उसके बाद फिर अपना डाया और पैरा में थोड़ा ऐसा इशू रहता है, वैसे इसका आंसर जो है 76 ना, 76, एक सेकेंड, आंसर इज बी, 76 का आंसर इज बी, मतलब ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये एक्चुअली मेरे को याद नहीं है क्या है, अच्छा 75 का आंसर क्या है आप लोग बता सकते हैं, तो सी है लीड, लेड, डायमैग्नेटिक का ऐसा आपको ये पूरा मटेरियल है ये आपको याद रखना होगा, ठीक है लेड, ठीक है चले। अब देखते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक का मतलब, ठीक है देखिए बताता हूं मैं, देखिए ये थोड़ा सा मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना वो क्या करता है कि फेरोमैग्नेटिक आपका आराम से आपका जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेकेंड रुकेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना भी है आपका उसको आराम से अगर कोई फ्लो करा सकता है तो दैट इज आपका फेरोमैग्नेटिक, बात समझ रहे हैं फेरोमैग्नेटिक। अब देखिएगा मैं बता रहा हूं, अब होते हैं दो तरीके और होते हैं, देखिए बता दे रहा हूं, पूछने हैं तो आप, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, देखिए फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, यह आपका एक मेटल जैसा है, ठीक है, अब अगर मैं फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ऐसे ऐसे अगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है,
ये नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूं, अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नहीं डाला हुआ है, ऐसा सोचिए आप लोग, ठीक है। और देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ये है नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, क्या है यहां पे हम लोग क्या डाले हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच। तो जैसे ही आप इसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप डाल देंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या डाल देंगे, आयरन डाल दिया, क्या डाल दिया, आयरन, समझे। तो जैसे ही आप आयरन डालेंगे ना, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा, देखिए हम दिखा रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब आपको कैसे दिखेंगे जरा देखिएगा, ये सब दिखेंगे जो दूर से जा रहे थे ना, अब ये यहां से पास होंगे, देखिएगा मतलब समझिएगा, आयरन जैसे ही डाले तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर प्रेजेंट था वो अब क्या हो रहा है, उसी रूट से जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है भाई, क्योंकि वहां ऑपोजिशन कम है, बात समझे, वहां पे आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ना वो बहुत ही कम मिल रहा है, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो दूर दूर भी है वो सब इसके थ्रू ही पास होगा, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर है। ये है फेरोमैग्नेटिक, है ना। अब मैं दिखा रहा हूं आपको दूसरा केस, दूसरा केस है ऐसा, ऐसे एलिमेंट्स का जो कि देखिएगा बात बता रहा हूं, दूसरा एलिमेंट ऐसे केस का है जो कि देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे देखिएगा अब मैं डाला फेरो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या डाल दिया यहां पे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पार हो रहा है वो वैसे ही हो जाएगा भाई, इसमें कोई भी इशू, उसको कोई भी फर्क नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड को, समझ में आ रहा है, इसमें रेजिस्टेंस जो बाहर एयर में मिल रहा है वही अंदर भी मिल रहा है, इसको कोई भी ऐसा फायदा नहीं मिल रहा है कि वो अंदर से घुस करके चला जाए, बात समझ रहे हैं। तो ये हो गए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, समझ में आया क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब तीसरा दिखा रहा हूं मैं, देखिए बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसका जो म्यू होता है ना, म्यू का मतलब अभी बताया मैं परमिएबिलिटी, ये 1000 के लगभग होता है, बहुत अच्छा होता है, इसका म्यू जो होता है ये 1 होता है, ठीक है। अब एक और एलिमेंट दिखाऊंगा, उसको दिखाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा डायमैग्नेटिक क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं डायमैग्नेटिक, देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थे वो ऐसे जा रहे थे, पास हो रहे थे, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, देखिए दिख रहा है सबको, और जैसे ही आप डाल दिए यहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्या डाल दिया आप, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो अब क्या हो जाएगा जरा समझिएगा, जैसे ही हम डायमैग्नेटिक मटेरियल डाले तो अब क्या होगा, ये जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देख रहे थे, अब ये ऐसे नहीं ऐसे पार होंगे, बात समझ में आ रहा है, मतलब उससे पार ही नहीं हो पाए, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, जो अपने थ्रू पास ना करे उस मैग्नेटिक फील्ड को, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, किनको पूछना था, कोई पूछा था ना, देखिए समझ में आ गया आपको अनुराग जी, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये अब इनका एग्जाम्पल होता है कौन कौन से एलिमेंट पैरा है, फेरो है, तो डाया है, ये थोड़ा सा मैं देख करके आज लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है, है ना। अब टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है ना, अब देखिएगा, और उस पर भी भेजवा दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक मिनट, अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, यही क्वेश्चन है ना अपना, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, तो देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा, सीरीज सर्किट किसको बोलते हैं आप लोग बताएंगे, सीरीज सर्किट उसको बोलते हैं जहां पे करंट सेम फ्लो कर जाए, बोलते थे कि नहीं बोलते थे भाई, सीरीज सर्किट किसको बोलते थे, जिसमें करंट सेम फ्लो हो जाए। अब वही अगर इस केस में हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग को देखना है, अब अगर हम लोग को देखना है यहां पे क्या, देखिए यहां पे देखिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो होना चाहिए वो सेम फ्लो करना चाहिए, जैसे सर्किट सीरीज में सेम सर्किट करंट फ्लो हो रहा था, वैसे ही सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो होगा अब आपका वो सेम फ्लो करना चाहिए, बात समझ में आ रहा सबको, तो
तो वहां पे क्या क्या ऑप्शन है, टू और मोर पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं अगर दो पाथ होंगे तो अलग अलग फ्लक्स फ्लो कर जाएगा, तो ये पैरेलल का आंसर होगा। दूसरा है सेम मैग्नेटिक फ्लक्स, करेक्ट है, सीरीज मैग्नेटिक फील्ड में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, टोटल रिलक्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिलक्टेंस, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब आपको समझना क्या है, तो बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, सीरीज का मतलब जैसे हम लोग करंट सेम फ्लो कराते थे, यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लक्स जो होता है वो सेम फ्लो होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। बात समझ में आ गया सबको, तो यहाँ पे हम लोग का नाइन्थ वाला भी कंप्लीट हो गया, आई फील हम लोग नाइन्थ वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं ना। और आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ, नाइन्थ देख लिए हम लोग, अब आगे मैं देखता हूँ टेंथ या फिर जैसा होगा डिस्कशन वैसे उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट आज कल क्लास में?